भारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अक्षय प्रताप। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सीमा पर भी आतंकवाद बढ़ा है और आंतरिक आतंकवाद में भी इजाफा हुआ है। ये हम सभी नागरिकों के लिए चिंता की बात है। मोदी सरकार इन समस्याओं से निपटने में कोई समाधान नहीं तलाश पाई। विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार पर हमलावर सिंह ने कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन या नेपाल के साथ हमारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हें बातचीत से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो हमें मानना होगा कि वो हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ ही हमें उसे ये समझाना होगा कि आतंकवाद का रास्ता उसके लिए ठीक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की विपक्ष की मांग पर अब बीजेपी भी सहमति जताती दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर सभी दलों के बीच सहमति बनती है तो भविष्य में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि शनिवार को कांग्रेस ने अपने 84वें महाधिवेशन में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव पेश किया था। इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा, मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहूंगा कि बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव कराए जाने का फैसला बड़े स्तर पर सहमति बनने के बाद ही लिया गया था। अब आज अगर हर पार्टी ये सोचती है कि हमें बैलेट पेपर पर लौट जाना चाहिए तो इस पर भी विचार कर सकते हैं। एयरलाइंस जैसी डायनेमिक प्राइसिंग को रेलवे में भी लागू करने को लेकर दिए गए सुझाव को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नकार दिया है। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक रेल मंत्री ने फ्लेक्सी फेयर स्कीम को रिव्यू करने के लिए बनाई गई कमेटी से फिर से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में बनाई गई ये कमेटी अभी लागू फ्लेक्सी सिस्टम का प्रभाव जानने और रेवेन्यू बढ़ाने के और तौर तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए बनी थी। कमेटी ने 15 जनवरी को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें सभी एक्सप्रेस मेल ट्रेनों में एयरलाइंस की तरह डायनेमिक प्राइसिंग लागू करने का सुझाव दिया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी फैन है। उन्होंने कहा, मैं मोदी की सफलता की वजह से उनकी बड़ी फैन हूँ। नौजवान महिला होने के नाते मुझे लगता है कि हमारे पास सही रोल मॉडल होना चाहिए। मेरा मतलब एक आदमी के काम और उसकी इच्छाओं से है। जब हमारे पास चाय वाला पीएम होता है तब वो सिर्फ जीत नहीं होती बल्कि लोकतंत्र की जीत होती है। पॉलिटिक्स में आने के सवाल पर कंगना ने कहा, मुझे राजनेताओं का फैशन सेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वे मेरे फैशन सेंस को नहीं बदलेंगे और मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बोलने देंगे तो मुझे राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है। निदाहास ट्रॉफी के छठे मैच में बांग्लादेश की टीम ने अंपायर के एक निर्णय के खिलाफ जिस प्रकार का रुख दिखाया उसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या ने भी बांग्लादेशी टीम के इस व्यवहार पर कड़ा विरोध जताया। जयसूर्या ने ट्विटर पर बांग्लादेश की टीम के व्यवहार को थर्ड क्लास बताया। हालांकि बाद में दिग्गज बल्लेबाज ने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।